स्वागत सत्कार अभिनंदन आभार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जस्ट लर्न के एक मिशन MBBS 2019 में। और आज हम करंट अफेयर्स जली ओज में फिर से आपके लिए MCQs लेकर आए हैं, जिसमें हम देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें जो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज के करंट अफेयर्स MCQs की, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका आज का पहला प्रश्न है कि किस रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपके पटना, वाराणसी, मुगल सराय और रायपुर, और आपका सही उत्तर है सी, मुगल सराय। जी हाँ दोस्तों, मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है यूपी में आता है, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम चेंज कर दिया गया है वो कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से अब इसे जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने अभी हाल ही में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग में रोक लगा दी है, ठीक है, और आपके ऑप्शन है कर्नाटका, असम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, जो हाथी है हमारा, हमारे देश का विरासत, विश्व विरासत, हमारे देश का विरासत पशु कहलाता है, तो उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न होने जा रहा है, और आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। इसका सही उत्तर है आपका नेपाल। जी हाँ दोस्तों, बिम्स्टेक 2018 जो संपन्न होने जा रहा है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2018 का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने भी हमारे देश हैं उनका बना हुआ, उन देशों का बना हुआ एक संगठन है जिनका हर वर्ष सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का 2018 में जो सम्मेलन हो रहा है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईफा पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया, और आपके ऑप्शन है न्यूटन, टाइगर जिंदा है, तुम्हारी सुलू, शादी में जरूर आना, और इसका सही उत्तर है सी, तुम्हारी सुलू। जी हाँ दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो तुम्हारी सुलू मूवी को दिया गया है। आपको पता हो, देखा हो आपने मूवी, तो तुम्हारी सुलू में विद्या बालन जो अभिनेत्री हैं उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, और ये काफ़ी अच्छी मूवी थी। और आपने इस मूवी का एक फेमस गाना सुना होगा, हवा हवाई, जो श्रीदेवी पर फिल्माया गया था, तो वो श्रीदेवी पर फिल्माया गाना गया इस बार इस मूवी में विद्या बालन द्वारा फिल्माया गया। तो ध्यान रखिएगा, आईफा अवार्ड 2018 तुम्हारी सुलू मूवी को। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का नया जो जिला बनाया बनने जा रहा है बावनवा जिला, वो किसे बनाया जा रहा है, और आपके ऑप्शन है पांडुना, निवाड़ी, ओरछा, चंदेरी, और आपका सही उत्तर है बी, निवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, निवाड़ी मध्य प्रदेश का बावनवा जिला बनने जा रहा है। आपको बता दें निवाड़ी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और इसे मध्य प्रदेश का 52वां बावनवा जिला बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको बता दें निवाड़ी जो जिला है बनाया जा रहा है वो निवाड़ी, ओरछा एवं पृथ्वीपुर, इन तीन तहसीलों को मिलाकर ये बावनवा जिला बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का। तो ठीक है, याद रखिएगा कि 52वां जिला जो है वो निवाड़ी मध्य प्रदेश का बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जिसे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, और आपके ऑप्शन है भोपाल, राजगढ़, अशोकनगर और इंदौर। इसका सही उत्तर है बी, राजगढ़। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना चालू है, रनिंग है, तो इस सिंचाई परियोजना को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। मोहनपुरा जो सिंचाई परियोजना है इस राजगढ़ जिले के आसपास क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपका, अन्ना कैंटीन किस राज्य में शुरू की गई है, और आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला। इसका सही उत्तर है आपका बी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अन्ना कैंटीन ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि 5 रुपए में खाना प्रदान करेगी, जिसमें एक ही रेट पर नाश्ता, दोपहर खाना और रात खाना ऑफर किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अन्ना कैंटीन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला नहीं, आंध्र प्रदेश, अन्ना कैंटीन आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने ड्रग्स संबंधी अपराधों हेतु मृत्युदंड को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में किसी
किसी देश ने जो ड्रग का व्यापार करेगा उसे डायरेक्ट मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और नेपाल। इसका सही उत्तर है आपका सी, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने ये नियम अभी लागू किया है कि यदि कोई भी ड्रग संबंधी व्यापार करता है, अपराध करता है, तो उसे डायरेक्ट मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ड्रग संबंधी अपराधों में मृत्युदंड की मंजूरी श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महिला हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? और इसके ऑप्शन है नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ए, नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड ने अभी हाल ही में संपन्न महिला विश्व कप 2018 का खिताब अपने नाम किया है। नीदरलैंड ने आयरलैंड को हरा कर 6-0 से, ध्यान रखिएगा, 6-0 से नीदरलैंड ने आयरलैंड को हरा कर महिला विश्व कप 2018 अपने नाम किया है। आपको ये भी बता दें कि जो महिला विश्व कप 2018 संपन्न हुआ है वो इंग्लैंड में संपन्न हुआ है और इसका जो फाइनल मैच है वो लंदन में खेला गया था। तो भारत ने पार्टिसिपेट किया था, भारत की महिला टीम ने पार्टिसिपेट कर, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराकर महिला विश्व कप 2018 अपने नाम किया है। यह इसने से सिक्स टाइम अपने ये वर्ल्ड कप हासिल किया। लास्ट वाला वर्ल्ड कप भी नीदरलैंड ने हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सार्क फिल्म महोत्सव 2018 कहाँ संपन्न हुआ? और आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद। और इसका सही उत्तर है वह है बी, कोलंबो। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की जो राजधानी रह चुकी है कोलंबो, उस वहाँ सार्क फिल्म महोत्सव को 2018 संपन्न हुआ है। तो सार्क फिल्म महोत्सव 2018 कोलंबो में संपन्न हुआ, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। और आपको हमेशा हम बताते हैं कि ये करंट के वो प्रश्न और एमसीक्यू हम आपको लेकर लेकर आते हैं जो जिनके आने की सबसे अधिक संभावना होती है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं यूट्यूब पे जो फालतू के क्वेश्चन क्रिएट करके आपको देते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं, बट उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहकर अपने चैनल की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसे आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो इतने करंट अफेयर्स जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशियंट है। और आपने अगर पिछली वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आराम से आप उसे सॉल्व करिए, पढ़िए और आपके आगामी एग्जाम्स में आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सजेशंस कि हम अपना वीडियो और कितना अच्छा बना सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिना हिचकिचाहट के कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब कोई वल्गर नहीं, मतलब ऐसा कमेंट जो हमारे वीडियो को आपके लिए बेहतर बनाने में सफल हो या बनाने में सहायक हो। तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो अध्ययन मटेरियल में तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें और उसे फॉलो करें और उसके साथ अपडेट रहें और साथ में अपने गोल की ओर, अपने टारगेट की ओर पैशनेट रहें और खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं। और इसी वादे के साथ और इसी पैशन के साथ और खुशियों के साथ करिए कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।